Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चाइनीज उनके साथ कॉपरेट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान करना चाह रहे हैं, तो इंडिया उस तरह नहीं है अलायंस जिस तरह अमेरिकन समझ रहे। इंडिया ने बीका भी ले लिया, उससे पहले कॉमकास्ट भी ले लिया, और अब ये S-400 भी ले लिया, और अमेरिकन ने ऑलरेडी 2019 में वेवर दे दिया हुआ है, तो ये वेवर भी उनको मिल गया। और यहाँ पे अमेरिकन मुझे लूजर नजर आ रहे हैं। ये बहुत सी टेक्नोलॉजी आ जाने से मोदी का जो एजेंडा है मेक इन इंडिया, मैं चौकीदार हूँ, मैं बहुत मिलिट्री स्ट्रेंथ ले आ रहा हूँ। कि रशिया और अमेरिका दो बड़ी सुपर पावर्स, और दोनों ये चाहती हैं कि अमेरिका जो इंडिया है उससे ताल्लुकात बहुत अच्छे ताल्लुकात कायम। जो रशिया से वो S-400 ले रहे हैं, इसराइल से वो हिरोन HP ड्रोन्स ले रहे हैं, फ्रांस से वो राफेल ले रहे हैं, यूके भी इसमें इन्वॉल्व हो गया है, और इंडिया जो है वो मेक इन इंडिया की तरफ आ रहा है, और वो कह रहे हैं जी कि हम डोमेस्टिक जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं, और सारी दुनिया का जो ग्लोबल डिफेंस मार्केट है वो इंडिया में आ रही है। इसको भी अगर लिंक करें जो पिछली दो चीजें हमने डिस्कस की, तो ये इंडिया किस तरफ जा रहा है? आप क्या समझते हैं कि वो जो क्वाड पार्टनर बनने की वजह से इंडिया अपनी जो ओपन अप हुआ है दुनिया में, वो जो कैपेबिलिटी इनहेंस हुई है, उसका फायदा ले रहा है, या वाकई ही ये सारा चाइना के लिए किया जा रहा है और ये एक प्रो अमेरिका क्लब में होने की वजह से इंडिया इस वक्त एडवांटेजेस पोजीशन में है? सो ये जो एक ग्लोबल ओपनिंग है, और इन्होंने अपनी ऑटोनॉमी भी रखी हुई है वेपन्स प्रोक्योरमेंट। देखिए कबीर साहब, एक चीज हमें यहाँ पे एडमिट करनी चाहिए कि इंडिया इज प्लेइंग इट्स स्ट्रेटजिक कार्ड वेरी इंटेलिजेंटली। इंडिया ने अपनी मार्केट को बढ़ाने के लिए पहले जो मेक इन इंडिया था वो उनका इंडिजिनस प्रोग्राम था, DRDO का था, और बोइंग मिलके हेलीकॉप्टर बनाने की इन्वेंट्री के कुछ पार्ट्स बना रहे हैं। टाटा और इंडिया में जो है लॉकहीड मार्टिन, ये जो F-16 फाइटर्स हैं, इस तरह के जो जेट्स हैं, उनकी विंग्स के पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये दोनों प्रोजेक्ट हैदराबाद इंडिया में है, वहां की ये लॉबीज भी वर्कआउट कर रही हैं। इसी तरह रशिया की इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, और इंडिया ने ये डिवर्सिफाइड किया है, मगर इससे टेक्नोलॉजी तो आएगी इंडिया में, मगर ये डिबेट जरूर रहेगी कि क्या इंडिया इज कैपेबल टू इंडिजिनाइज इट्स मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। मगर उसमें एक आप ये जो आप कह सकते हैं ज्वाइंट वेंचर्स हैं, ये इंडिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी को स्ट्रेंथ करेगा और रीजन में एक आम रेस को ये करेक्ट करेगा या बूस्ट करेगा। मगर इसके साथ इंडिया ने अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को भी मेंटेन करने की कोशिश की है, और यहाँ पे अमेरिकन मुझे लूजर नजर आ रहे हैं। ये बहुत सी टेक्नोलॉजी आ जाने से मोदी का जो एजेंडा है मेक इन इंडिया, मैं चौकीदार हूँ, मैं बहुत मिलिट्री स्ट्रेंथ ले आ रहा हूँ, इंडियन आर्म फोर्सेस को इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज आएगा। यहाँ पे वो कोई सैंक्शन नहीं लगा रहे, लेकिन टर्की के ऊपर उन्होंने कहा है जी कि अगर आप S-400 ले रहे हैं तो हम सैंक्शन लगा देंगे उनको। वो F-35 अपने प्रोजेक्ट से भी पीछे कर लिया उन्होंने। तो आप ये बताइएगा कि ये जो चीज है, और दूसरा जो अमेरिकन कांग्रेस ये डिबेट कर रही है कि 5 Eyes इंटेलिजेंस से 9 Eyes में जाएं, और भले इंडिया रशिया से S-400 ले रहा है लेकिन फिर भी इंडिया के साथ कोऑपरेट करना है, तो ये जो इतना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट इंडिया को दिया जा रहा है और दूसरी तरफ टर्की को सैंक्शन लगाए जा रहे हैं ऑन द सेम बाइंग ऑफ द S-400, हाउ डू यू सी दिस सर? इसमें देखिए एक तो चीज यह है कि इंडिया के साथ उनकी जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है वो बहुत स्ट्रेंथन हो गई है, क्योंकि उनका क्वाड और उन्होंने इंडिया ने डेमोंस्ट्रेट भी किया चाइना के अगेंस्ट मिलिट्री पोस्ट अपना शो करके, और इंडिया ने अपनी रिलेशन भी देखी 2020 में गुलवान में, तो चाइना को रियल जो उसको चेक उनके जेन में कर सकता है वो इंडिया से। लेकिन उसका सर्वाइवल एट स्टेक नहीं है, इवन चाइनीज उनके साथ कॉपरेट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान करना चाह रहे हैं, तो इंडिया उस तरह नहीं है अलायंस जिस तरह अमेरिकन समझ रहे। इंडिया ने बीका भी ले लिया, उससे पहले कॉमकास्ट भी ले लिया, और अब ये S-400 भी ले लिया, और अमेरिकन ने ऑलरेडी 2019 में वेवर दे दिया हुआ है,
तो ये वेबर भी उनको मिल गया। कि रशिया और अमेरिका दो बड़ी सुपर पावर्स और दोनों ये चाहती हैं कि अमेरिका जो इंडिया है उससे ताल्लुकात बहुत है, कि इंडिया को अमेरिका और रशिया इन नज़र से देखते हैं कि क्योंकि इंडिया ये स्पेंड कर सकता है और हमसे ये हथियार खरीद सकता है, तो जाहिर है कि दोनों चाहते हैं कि वो उससे अच्छे ताल्लुकात कायम करें, और इस वजह से दोनों में राइवलरी भी है। देखिए पैसा कितनी बड़ी चीज़ है, आपका अगर आप स्टैब्लिश हैं इकोनॉमिकली और आपके पास पैसा है और आपकी बड़ी इकोनॉमी है तो आप सुपर पावर्स के लिए भी ज़रूरत बन जाते हैं। तो ये है सिचुएशन, ये है किस्सा, और इस वजह से जो रशिया और अमेरिका हैं उनके बीच में खासी गर्मा गर्मी भी हो चुकी है। पाकिस्तान अक्सर ये कहता है, अक्सर औकात पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ कही जाती है कि देखिए पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया प्रोपेगंडा करता है, पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की बात करता है, कितनी सैंक्शंस लगाने की पाकिस्तान पर बात करता है, और दूसरे मुल्कों में जाके सुपर पावर्स के पास, यूरोपियन कंट्रीज़ के पास जाकर भारत जो है वो ये कहता है कि पाकिस्तान पर जो है वो पाबंदी लगाओ, यहाँ से दहशतगर्दी हो रही है। बल्कि हमने ये भी देखा कि मिस्टर जयशंकर की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट भी कुछ अर्सा पहले आई जिसमें उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट भी किया और इंडियन मीडिया में भी शाया हुई और दूसरे मीडिया में भी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है, हमने FATF का मामला था कि हमने वहाँ पर कोशिश की है क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी दहशतगर्दी के हवाले से कुछ सही करे, और हमने वहाँ पर कहा है कि इनको ना निकाला जाए इसमें से। तो जाहिर है इस सिचुएशन में क्या पाकिस्तान, जो कि पहले से बोलता ही है, ये कहता है कि देखो हमारे खिलाफ, क्या इस मोमेंट को पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकेगा या करेगा? क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान इसको एक बड़े लेवल पे उठाएगा और कहेगा कि अमेरिका की तो लेजिस्लेशन है, इसके ऊपर लॉ बना हुआ है और दूसरी कंट्रीज़ पर इसकी वजह से पाबंदियां लगी हैं, तो फिर क्यों ना भारत पे भी इसके हवाले से पाबंदी लगाई जाए। बहरहाल वो अब देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन इसका एक और एंगल भी है और वो है रशिया एंड इंडिया रिलेशंस।